अस्थमा को दमा, श्वास रोग या सांस का रोग भी बोलते हैं। हमारे आज के वीडियो में हम जानेंगे दमा रोग के क्या कारण हैं, क्या इसके लक्षण हैं, क्या घरेलू उपचार हम कर सकते हैं, खान पान संबंधी क्या सावधानियां रख सकते हैं, आयुर्वेदिक उपचार क्या किए जा सकते हैं, ये सारी जानकारियाँ आज के वीडियो में हम देखेंगे। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोज़ बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर लें। अस्थमा या दमा के रोगियों में देखा जाता है सांस लेने में बड़ी कठिनाई होती है। थोड़ा सा काम करते ही या चलते फिरते ही कुछ लोगों में तो देखा जाता है, रोगी हमारे पास आते हैं, बताते हैं जी बोलते समय भी सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, इतनी कठिनाई होती है। स्पेशली रात के समय 12-1 बजे के बाद जो सांस की दिक्कत है ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को सुबह के समय सांस लेने में कठिनाई ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। मौसम अगर बदलता है तो भी देखा जाता है यह दिक्कत ज़्यादा आती है। ज़्यादा धूल धुएं में जाते हैं तो भी समस्या बननी शुरू हो जाती है। थोड़ी सी ठंडी चीज़ें खा ले तो भी सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती है, सांस खींच कर आता है। कई रोगियों को सांस लेते समय आवाज़ भी साथ में आती है। तो ऐसा यह श्वास की दिक्कत क्यों बनती है? हम अपने नाक से जो श्वास है अंदर खींचते हैं, फेफड़ों तक हमारे ऑक्सीजन पहुंचती है। जब कभी यह श्वास की नलिकाएं में सोजिश आ जाती है, उनका जो रास्ता होता है नैरो हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो यह दिक्कत बननी शुरू हो जाती है। यह एलर्जी के कारण हो सकता है, कोई म्यूकस ज़्यादा बनने लग जाए तो भी समस्या आ सकती है। एलर्जी में धुएँ से एलर्जी हो, धूल मिट्टी पोलन ग्रेन्स से एलर्जी हो तो देखा जाता है समस्या ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। बढ़ता हुआ पॉल्यूशन भी इसका कारण है। स्पेशली सितंबर अक्टूबर के महीने में देखा जाता है जब पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो सांस के रोगियों को कठिनाई ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। पारिवारिक कारण भी होता है, अगर फैमिली में किसी को मदर फादर में हिस्ट्री हो तो उससे बच्चों में भी श्वास की दिक्कत बननी शुरू हो सकती है। जो लोग ज़्यादा मेंटल टेंशन तनाव स्ट्रेस में रहते हैं तो भी देखा जाता है ऐसे केमिकल हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसके कारण स्ट्रेस हार्मोन्स के कारण जो श्वसन नलिकाओं का रास्ता संकुचित हो जाता है, सांस खींचकर आता है, सांस में कठिनाई होती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात और कफ दोष बढ़ने के कारण श्वास की दिक्कत सांस की कठिनाई बढ़ती है। तो अगर वात और कफ बनाने वाली चीज़ें आप ठंडी और भारी चीज़ें चिकनी चीज़ें आप ज़्यादा खाते हैं तो सांस की समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जब आप अस्थमा या दमा के रोगी हैं, आपको श्वास लेने में कठिनाई हो रही है, क्या सावधानियां हम रख सकते हैं? आपको ज़्यादा ठंडी और चिकनी चीज़ें खाने से बचना चाहिए, ज़्यादा हैवी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। दूध भी है मलाई उतार कर हल्का लें, पुराना अनाज इसमें अच्छा है, पुराने चावल पुराना आप दालों का इस्तेमाल करें क्योंकि जितनी वो पुरानी होती जाती हैं उतनी हल्की हो जाती हैं और दमा के रोगियों के लिए उतनी ज़्यादा फायदे मंद हैं। दही लस्सी इनका प्रयोग भी आप थोड़ा कम करें क्योंकि ये थोड़ी भारी होती हैं जिसके कारण कफ दोष बढ़कर दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। तो दही लस्सी चावल ये चीज़ें आप थोड़ी सी अवॉइड करें। फलों में भी आप केला है संतरा है इनको थोड़ा सा ठंडक के समय में जब ज़्यादा ठंड हो स्पेशली रात के समय में अवॉइड करें। घरेलू उपचार की अगर हम बात करें, जब आपको श्वास की दिक्कत ज़्यादा हो ऐसे में आप थोड़े से पानी के अंदर गर्म पानी के अंदर एक चम्मच अजवाइन पुदीने के पत्ते पूजा वाला कपूर ये अवेलेबल हो घर पर तो ठीक है, नहीं तो इनका बना बनाया अमृत धारा के नाम से आता है उसकी 6 बूंदे आप डाल लें पानी में, वो भाप तौलिया ढककर अगर आप लेते हैं तो उससे देखा जाता है बंद नाक बंद श्वसन नलिकाएं खुल जाती हैं। सांस के रोगियों को भाप लेने से इससे काफ़ी राहत मिलती है। जिन लोगों को एलर्जी के कारण श्वास की दिक्कत बनती है, गाय के देसी घी की 2-2 बूंदे प्रत्येक नाक में डेली डालने का अभ्यास करें, इससे जो है एलर्जी कम होती है तो श्वास की दिक्कत में काफ़ी फायदेमंद है।
दालचीनी का पाउडर शहद मिलाकर आधा चम्मच की मात्रा में सुबह शाम लिया जाए तो उससे भी श्वास के रोगियों को काफ़ी फायदेमंद है। सौंठ या अदरक का प्रयोग करना भी इन रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है जिनको सांस खिंचावट के साथ आता है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो थोड़ा सा सौंठ का चूर्ण है वो आप अगर सूंघते भी हैं तो उससे भी जो बंद नलिकाएँ हैं वो खुलनी शुरू हो जाती हैं। अपने साथ आप रखें और उसको थोड़ा आप स्मेल करते हैं, उससे भी देखा जाता है काफ़ी राहत मिलती है। डेली 2 कली कच्ची लहसुन की अगर खाई जाए तो श्वास के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अगर सर्दी का समय है, ऐसे में आपको दिक्कत आ रही है तो गेहूं के अंदर बराबर रागी और बाजरा दोनों मिलाकर बराबर मात्रा में रोटियां अगर खाई जाती हैं तो भी श्वास के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। आयुर्वेदिक औषधियों की अगर बात की जाए तो आप पंसारी से लाकर इनका प्रयोग कर सकते हैं। नियमित प्रयोग से देखा जाता है पुराने सांस के रोगियों में भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सोमलता आयुर्वेदिक औषधि है, श्वास के रोगियों के लिए बहुत अच्छी है। इसमें इफेड्रिन नामक एक तत्व मिलता है जो श्वास नलिकाओं को खोलता है। तो इसके लिए आपको सोमलता 100 ग्राम, भारंगी 100 ग्राम, मुलेठी 100 ग्राम लाकर मोटा चूर्ण बना लेना है और फिर उसको आप रात को पानी में भिगो दो 1 चम्मच। सुबह उबालकर छानकर बराबर शहद मिलाकर अगर लिया जाता है तो देखा जाता है श्वास के रोगियों में काफ़ी फायदेमंद है। आपको शुगर की दिक्कत है तो आप बिना शहद लिए भी इस काढ़े को प्रयोग करते हैं तो सांस के रोगियों के लिए काफ़ी लाभ होता है। हल्दी वाला दूध अगर नियमित रूप से लिया जाता है तो श्वास की दिक्कत, चाहे आपको एलर्जी से है, चाहे आपको किसी कफ बढ़ने के कारण दिक्कत है, तो हल्दी का दूध अगर नियमित रूप से लिया जाता है श्वास के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सांस के रोगियों के लिए च्यवनप्राश का भी नियमित सेवन काफ़ी फायदेमंद है। 1 से 2 चम्मच की मात्रा में आप च्यवनप्राश का, वैसे इस टॉपिक पर हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा च्यवनप्राश कब कैसे खाना है। तो च्यवनप्राश का भी अगर आप नियमित प्रयोग दूध के साथ करते हैं तो उससे भी देखा जाता है दमा सांस की दिक्कत में बहुत लाभ होता है। विटामिन सी का सोर्स आंवला भी दमे के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। यह शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है जिसके कारण एलर्जी से जिनको दमे की सांस की दिक्कत बनती है उन रोगियों के लिए यह काफ़ी फायदेमंद होता है। अंजीर खाना भी श्वास के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है जिनको सांस में कठिनाई रहती है। रात को 3-4 अंजीर पानी में भिगो दें, सुबह थोड़ा सा मसल कर अगर अंजीर लिए जाते हैं नियमित प्रयोग से अंजीर या दाख के देखा जाता है श्वास के रोगियों में बहुत लाभ होता है। थोड़ा गुनगुना पानी है आप थोड़े थोड़े अंतराल पर घूंट घूंट करके पीते रहें, उससे भी सांस में काफ़ी राहत मिलती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ भी जैसे श्वास कुठार रस, कनकासव आदि रहते हैं जो आप उचित चिकित्सीय परामर्श से ले सकते हैं। तो आज के वीडियो को लेकर अगर किसी के मन में कोई शंका हो, कोई सवाल हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे आने वाले वीडियोस के लिए भी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ।